फ्रेंड्स, आम रजनीकांत, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस। डियर गाइस, आज मैं 11th क्लास इंग्लिश हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टूट दिशागा कंटिन्यूस के 10th पैराग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीछे 9 पैराग्राफ्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो चलिए सीधे टेक्स्ट पे चलते हैं। किंग टट्स डिमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स। तो किंग टुट का मरना एक बड़ी घटना थी, यहां तक कि अगर राजसीय स्तर से देखा जाए तो भी ये बड़ी घटना थी, बिकॉज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन and his funeral was the death of rattle of a destiny। वो अपनी फैमिली लाइन का आखिरी किंग था, इसलिए उसका फ्यूनरल जो था वो उसके वंश की समाप्ति का था, यानी उसका मरना उसके वंश की समाप्ति का द्योतक था। But the particulars of his पासिंग अवे इंट्स आफ्टर मैथ्स आर अनक्लियर। लेकिन उसके मरने का कारण और उसका के बाद के परिणाम अभी तक स्पष्ट नहीं है। अमेन हार्ट ऑफ थर्ड टूट्स फादर आर ग्रैंड फादर वॉज ए पावरफुल फारो हु रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट 40 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। Amenhotep III, ये किंग टुट के पिता थे या दादा थे इस बात का तो पता नहीं है, ये बड़े ही शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 4 दशकों तक 18वें वंशज के स्वर्ण युग की चरम सीमा तक राज्य किया था। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। उनके बेटे अमेनहोटेप IV ने उत्तराधिकार में उनसे राज्य पाया और उन्होंने एक सबसे विचित्रतम युग का प्रारंभ प्राचीन मिस्र के इतिहास में किया। द न्यू फारो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क चेंज्ड हिज नेम टू अखेनाटेन आर द सर्वेंट ऑफ अटेन एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीब्स टू ए न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन नोन नाउ एज अमरना। तो डियर गाइस, नए राजा ने सन डिस्क की वर्शिप को प्रमोट किया, सूर्य चक्र की पूजा जिसे अटेन कहते हैं, अटेन का मतलब होता है सन डिस्क, उसकी पूजा को उन्होंने उन्नत किया। उन्होंने अपना नाम भी चेंज करके अखेनाटन रख लिया जिसका अर्थ होता है अटेन का सेवक, और उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी भी थीब्स के पुराने शहर से हटा करके नए शहर अखेनाटेन, जिसे कि आजकल अमरना के नाम से जाना जाता है, में शिफ्ट कर दी। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अम्यून ए मेजर गार्ड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उन्होंने अपने देश को एक बार फिर से स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने एक प्रमुख देवता अम्यून पे आक्रमण कर दिया, चूंकि उनके विरोधी थे, और उनके तस्वीरों को तोड़ डाला और उनके मंदिरों को बंद कर दिया। तो इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लग्जर द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स। तो शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के
निदेशक क्रे जॉनसन कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन वेरी हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा ही भयानक समय रहा होगा। तो मिस्टर जॉनसन जो है ये शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं, लक्सर में उन्होंने थीब के पास एक रिसर्च सेंटर खोला था और वहाँ उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अकेनाटन वेंट ए लिटिल बैक। तो उन्होंने बताया कि वो परिवार जिसने कि कई शताब्दियों तक शासन किया अब वो समाप्त होने को आ रहा था, और फिर जहाँ तक अकेनाटन की बात है वो तो सनकी हो गया था, पागल हो गया था। आफ्टर अकेनाटन्स डेथ ए मिस्टीरियस रूरल नेम डिसमन कखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस। तो अकेनाटन की मौत के बाद एक बड़ा ही रहस्यमयी शासक जिसका नाम कि इस्मिन कखरे था, उसने बहुत थोड़े दिनों तक शासन किया और बिना अपना कोई निशान छोड़े चला गया। वो कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चला। एंड देन ए वेरी यंग तुतनखामून टुक द थ्रोन द किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टूडे। और फिर एक बड़े ही युवा राजा जिसका कि नाम ट्यूटन खटेन था, उन्होंने गद्दी संभाली, जिन्हें कि आजकल दूर दूर तक किंग टट के नाम से जाना जाता है। दीपवाय किंग सून चेंज हिज नेम टू ट्यूटन खमून लाइविंग इमेज ऑफ अम्यून एंड ओवरसा द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। तो इस छोटे राजा ने जल्द ही अपना नाम बदल कर ट्यूटन खमून कर लिया, जिसका अर्थ होता है एम्यून की लाइविंग इमेज। और उन्होंने पुराने तरीकों को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। ही रेंट फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उसने तकरीबन 9 साल तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। तो अपने यश अथवा अपने भाग्य की अटकलों की चिंता किए बिना यह बात तो स्पष्ट है कि टट की ममी मिस्र की न जाने कितने ममियों में से एक है। हाउ मैनी नो वन नोज, कितनी ममीज हैं इस बारे में कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममीज प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट इन 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट ने, जिसने कि इसकी एक 2003 में लिस्ट बनानी शुरू कर दी और उसने उस लिस्ट में अब तक 600 ममियों की खोज की है और अब भी वो खोज उसकी जारी है, अब भी वो गणना जारी है कि कितनी ममीज और होंगी। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए प्रोब सीटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर्स। और अगला चरण जो ममीज के साथ होने वाला था वो था स्कैनिंग ऑफ द ममीज, ममियों का गहन परीक्षण। और ये परीक्षण होना था पोर्टेबल सीटी मशीन से, जिसको कि सीमेंस यानी सीटी मशीन के मैन्युफैक्चरर और जियोग्राफिक सोसाइटी ने इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट को डोनेट किया था, दान में दिया था। किंग टट इज द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली एड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टट की जो ममी थी वो
सबसे पहले स्कैन की जाने वाली ममियों में से एक थी। जिस तरह से वो अपने जीवन में अपने कंट्रीमैन से आगे था, उसी तरह से वो मरने के बाद भी अपने कंट्रीमैन से आगे था। ए सीटी मशीन स्कैंड द ममी हेड टू टो, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। तो सीटी मशीन ने टुट की ममी का सर से लेकर पैर तक स्कैनिंग किया और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाए। टुट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स ऑन एरी डिटेल इन रिजल्टिंग इमेजेस। टुट के सर को 0.62 मिलीमीटर के छोटे छोटे स्लाइसेस में स्कैन किया गया उसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उसकी जटिल संरचना को जानने के लिए, और जो इमेजेस रिजल्ट में मिली उनमें बड़े ही अलौकिक विवरण मिले। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फोरेंसिक्स एंड एटॉनमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट The winged goddesses of the gilded burial shrine protected so far. तो डियर गाइस, टट के पूरे शरीर का इसी तरह से स्कैनिंग किया गया और उस स्कैनिंग के दौरान रेडियोलॉजी फोरेंसिक्स और एटॉनमी के विशेषज्ञ की एक टीम वहां पे थी। तो रेडियोलॉजी जो एक्सरेज का स्टडी करते हैं, फोरेंसिक्स जो क्राइम से रिलेटेड चीजों का पता लगाते हैं, और एनाटॉमी जो कि शरीर के हर बॉडी पार्ट का परीक्षण करते हैं, इन सभी के एक्सपर्ट की एक टीम की देखरेख में शरीर उसके पूरे शरीर का निरीक्षण किया गया। इस बात का पता करने, उन रहस्यों का पता करने के लिए, उन रहस्यों की पड़ताल करने के लिए जिन रहस्यों को अब तक विंग्ड गॉडेसेस ऑफ ए गिल्डेड बरियल श्राइन ने अब तक प्रोटेक्ट किया था। कहने का मतलब यह है कि पंखों वाली देवियां जो सुनहरे मकबरे में पंखों वाली देवियां थी, जिन रहस्यों की सुरक्षा उन्होंने अब तक की थी, उन्हीं रहस्यों का पता करने के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स की देखरेख में उसके पूरे बॉडी की स्कैनिंग की गई। तो ये विंग्ड गॉडेसेस कौन है? ओसिरिस, यानी कि ये एक देवी है, और म्यूरल्स जो वॉल्स पे बने थे उसमें ओसिरिस का भी चित्र बना हुआ था। तो जिसकी रक्षा अब तक ओसिरिस देवी कर रही थी, उन रहस्यों की पड़ताल रेडियोलॉजी फोरेंसिक्स और एटॉनमी के एक टीम ने की देखरेख में पूरी स्कैनिंग हुई थी।